सब्सक्राइब कीजिए एमडी टॉक यूट्यूब चैनल को, साथ के इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि आपको मिल सके MIUI के लेटेस्ट अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। दोस्तों Redmi 6 एंड Redmi 6A के लिए फाइनली यहां पर Xiaomi की तरफ से MIUI 10 का स्टेबल अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। तो Redmi 6 के लिए 10.0.1.0 OCGMIFH यानी ओरियो के ऊपर बेस ये अपडेट यहाँ पर रोल आउट हुआ है। तो ये अपडेट का साइज 260 MB के आसपास है, जबकि Redmi 6A के बारे में अगर बात करी जाए तो Redmi 6A के लिए 10.0.2.0 OCGMIFH यानी ओरियो के ऊपर बेस है ये अपडेट यहाँ पर रोल आउट किया गया है। तो ये अपडेट Redmi 6 एंड Redmi 6A के लिए अभी कुछ टाइम पहले ही रोल आउट किया गया है। तो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो इस अपडेट के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। एंड जिन्हें अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है तो उनके लिए डाउनलोड लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, तो उनको कब तक मिलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड यहां पर सेकंड बैच आपका जल्द ही अभी आपको देखने को मिलेगा, तो सेकंड बैच के लिए कब से रोल आउट होगा MIUI 10 का स्टेबल अपडेट, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मंजीत, स्वागत करता हूँ MD Talk यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पर Redmi 6 Pro के लिए भी MIUI 10 का स्टेबल अपडेट अब तक रोल आउट नहीं किया गया है, तो उसको कब तक मिलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं Redmi 6 एंड Redmi 6A के बारे में। दोस्तों अगर Redmi 6 एंड Redmi 6A के MIUI 10 के स्टेबल अपडेट के बारे में बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको सेम चेंज लोग यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यानी सेम फीचर्स आपके यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर सिंगल कैमरा जो फ्रंट कैमरा है आपका, तो आपको उसमें AI पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है, ऐसा चेंज लुक में यहाँ पर मेंशन है। एंड आपका जो फेस अनलॉक है वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है Redmi 6 एंड Redmi 6A के लिए। तो यहाँ पर चेंज लुक में काफ़ी चीज़ें मेंशन है। आपका जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है वो आपका सितंबर का यहाँ पर लेटेस्ट कर दिया गया है, लेकिन चेंज लुक में यहाँ पर कुछ डिफरेंट ही मेंशन है। शायद यहाँ पर मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पर कुछ जुलाई एंड अगस्त का यहाँ पर मेंशन किया गया है, लेकिन सितंबर का आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पर MIUI 10 के डिटेल फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो आपका जो स्टेटस बार है बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंट तरीके से चेंज कर दिया गया है। ब्राइटनेस बार भी आपका चेंज हो गया है, तो आपको बिल्कुल अलग यहाँ पर अभी दिखाई देने वाला है। एंड जो आपका यहाँ पर जो रिसेंट एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन एक साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका यहाँ पर जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है उसमें भी चेंजेस हुए हैं, बिल्कुल आपको न्यू डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। नीचे आपको टेस्ट नेटवर्क का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, इसकी मदद से आप अपने नेटवर्क को भी टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पर कितने आपका नेटवर्क यहाँ पर यूज़ कर रहा है। अगर मैं बात करूँ तो आपके जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है बिल्कुल यहाँ पर न्यू डिज़ाइन उसका कर दिया गया है। स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, एंड यहाँ से आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं अगर आपको कुछ एडवांस कैलकुलेशन करनी है। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पर आपका जो क्लोक एप्लीकेशन है बिल्कुल आपकी ब्लैकिश टाइप आपको देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर नेचर साउंड भी सुन सकते हैं जो कि Xiaomi ने अपनी MIUI 10 के अनाउंसमेंट के वक्त यहाँ पर बताई थी, तो इस प्रकार से जो आप चाहें वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं और भी डिटेल में बात करूँ तो आपकी जो MI एप्लीकेशन है MI एप्स का, तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आपको अगर जाते हो अपने MI ऐप की सेटिंग्स में तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट लैंग्वेज में आप देख सकते हैं हिंदी का भी ऑप्शन आपको भी अवेलेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर चेंज लॉग में ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया था। कैलेंडर एप्लीकेशन में भी चेंजेस किए गए हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर की आपकी हॉलीडे है तो उसके नीचे आपको रेड लाइन आपको देखने को मिल जाती है, एंड जो भी हॉलीडेज हैं वो भी आपकी रेड हो जाएंगी, तो इससे आपको पता लग जाएगा। एंड आपको और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है अगर आप नीचे स्वाइप करते हो। कस्टमाइज भी आप कर सकते हो अपने कैलेंडर एप्लीकेशन को यहाँ से। आपको नोट्स एप्लीकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आप अपने वॉइस नोट को भी यहाँ पर प्लस के साइड में जो आपका निशान है इसकी मदद से आप वॉइस नोट भी यहाँ पर आपने बना सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आपकी जो गैलरी है आपको जाना होगा अपनी गैलरी में, ऊपर आपको बिल्कुल राइट साइड में 3 डॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी मदद से गाइज आप यहाँ पर कोलाज भी बना सकते हैं, जैसे 2 पिक्चर आप ले लीजिए एंड ओके यहाँ पर कर दीजिए, आपके यहाँ पर कोलाज बन जाएगी।
एंड यहाँ से आप अपना ट्रेस बिन मतलब अपना डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, फ्री भी कुछ स्पेस को यहाँ से कर सकते हैं। तो और भी यार काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपके ऐड किए गए हैं MIUI 10 के स्टेबल अपडेट में। अगर आपको जानना डिटेल में तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, टॉप 20 फीचर्स ऑफ MIUI 10, तो उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी एंड ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी। वेदर एप्लीकेशन में भी बिल्कुल आपकी MIUI 10 वाली आपकी वेदर एप्लीकेशन कर दी गई है। तो यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए एंड आपको यहाँ पर गेम स्पीड बूस्टर में भी एक नया ऑप्शन मिल जाता है। जब भी आप गेम यहाँ पर प्ले करोगे तो ऊपर राइट साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे आपको एक लाइन मिल जाएगी, उसकी मदद से आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं एंड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ रेडमी 6 एंड रेडमी 6 ए की MIUI 10 अपडेट की, तो जिनको अभी तक नहीं मिला है तो उनको मिल जाएगी डाउनलोड लिंक्स। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड चेक करिए डाउनलोड लिंक्स को। अगर आपका वहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हो OTA अपडेट के थ्रू इंस्टॉल करना तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको अभी अपडेट नहीं मिला है तो कम से कम आपको 4 से 5 दिन का भी वेट करना होगा। तो 4 से 5 दिन वेट करने के बाद सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा ये अपडेट। तो गाइज आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा इस अपडेट को OTA के थ्रू पाने के लिए। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर Redmi 6 Pro की, कि Redmi 6 Pro को MIUI 10 का स्टेबल अपडेट यहाँ पर कब तक रोल आउट होगा। तो अगर मैं अभी बात करूं तो Redmi 6 Pro के लिए एक नया अपडेट रोल आउट कर दिया गया है Xiaomi की तरफ से एंड ये अपडेट आपका 9.6.5.0 का ये अपडेट है एंड ये अपडेट आपका 522 MB का रोल आउट किया गया है। तो दोस्तों अभी MIUI 10 के स्टेबल अपडेट की अगर शेड्यूल की बात करूं तो यहाँ पर Xiaomi ने बताया था कि एंड ऑफ द सेप्टेम्बर मिल जाएगा Redmi 5 Plus, Redmi 6, 6A एंड Redmi 6 Pro के लिए, लेकिन Redmi 6 Pro के लिए अभी नहीं मिला है। तो आप टेंशन मत लीजिए, हफ्ते 10 दिन के बाद Redmi 6 Pro के लिए भी ये अपडेट आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 अक्टूबर के आसपास ये अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, शायद उससे पहले मिल जाए तो अच्छी बात होगी। तो मैं अगर बात करूँ सेकंड बैच के शेड्यूल के बारे में, तो आपको मिलेगा सेकंड बैच को, आप देख सकते हैं जो जो डिवाइस यहाँ पर मेंशन है, मिड अक्टूबर से आपका सेकंड बैच स्टार्ट होगा एंड मिड नवंबर के बीच में सेकंड बैच का शेड्यूल है। तो इसके बीच में 1 महीने के टाइम में सभी डिवाइसेस को धीरे धीरे करके, जैसे इस वीक आपके 2 डिवाइसेस को प्रोवाइड कर दिया Xiaomi ने MIUI 10 का अपडेट, नेक्स्ट वीक आपका नेक्स्ट 2 डिवाइसेस को, तो धीरे धीरे करके रोल आउट होगा ये अपडेट एंड थर्ड बैच आपका यहाँ पर अर्ली नवंबर से रोल आउट होगा। तो मुझे नहीं लगता अर्ली नवंबर से रोल आउट होगा, तो आपका यहाँ पर मिड नवंबर से रोल आउट हो जाएगा थर्ड बैच भी। अगर आपको जानना है सेकंड बैच एंड थर्ड बैच के बारे में कि सबसे पहले कौन से डिवाइसेस को यहाँ पर MIUI 10 का अपडेट मिलेगा एंड बाद में कौन से डिवाइसेस को मिलेगा, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाई हुई है, तो लिंक ऊपर आई बटन पे भी गिवन है एंड डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, आप वहाँ पर जाइए एंड वीडियो को देख लीजिए। सेकंड बैच एंड थर्ड बैच की फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, लिंक आपको वहाँ पर गिवन है एंड आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर मैं करूँगा कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आपकी सॉल्यूशन हम वहाँ पर डायरेक्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग आज की वीडियो देखने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।